चलिए, गुड इवनिंग। कमेंट करेंगे एक बार, आवाज आ रही है क्या सभी को? गुड इवनिंग सभी को, आवाज आ रही है सभी को? जल्दी से बताइए, सीरीज वाले चैप्टर को खत्म करेंगे और संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न देख रहे हैं यही चीजें काम आएंगी आपको अगले तीन चैप्टर्स में। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या बोलना चाहता हूं मैं। ध्यान दीजिए, जिनका ये डाउट था कि ऐप पर कोर्स का डिटेल नहीं है, सौंदर्या आप एडमिशन लेंगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, उसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो एक कोर्स दिखाई दे रहा होगा 1 अक्टूबर बैच वाला, तो एडमिशन लेने के बाद वहां पे आपको अप्रूवल देंगे वो लोग, मैनेजमेंट वाले वहां पर अप्रूवल आपको दे देंगे। अभी 3-4 दिन का जो डेमो चल रहा है वो तो डेमो का लिंक ओपन हो रहा है। एडमिशन के बाद बहुत सारे बच्चों ने, जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको अप्रूवल दे दिए हैं, क्लासेस अभी डेमो वाली ही शेड्यूल हो रही है, डेमो क्लासेस ही चल रही है, क्योंकि डेमो का जो भी दिन निर्धारित किया जाता है उतने दिन तक डेमो चलता है, उसके बाद जो रेगुलर लिंक बना है उसमें क्लासेस चलती है। चलो ध्यान दो, यहां पर क्या बोलना चाहता हूं मैं, ध्यान से देखिए। श्रृंखला अपन देख रहे थे, श्रृंखला में संख्याओं पर आधारित श्रृंखला अपन देख रहे थे, ध्यान से समझना, संख्याओं पर आधारित श्रृंखला। अब ये मत समझना कि सर संख्याओं पर आधारित श्रृंखला अपन देख रहे हैं तो केवल यही पे काम आएगा, ये ऐसा नहीं है भाई। संख्याओं पर आधारित जो श्रृंखला अपन देख रहे हैं, लॉजिक जो अपन ढूंढ रहे हैं, जिन लॉजिक्स की अपन बात कर रहे हैं कि किस लॉजिक से श्रृंखला आगे बढ़ रही है, तो जो लॉजिक अपन ढूंढ रहे हैं ये सारे लॉजिक्स अगले चैप्टर में यानी कि सादृश्यता में भी काम आएंगे। सादृश्यता यानी कि एनालॉजी, क्योंकि संख्याओं पर आधारित सादृश्यता के प्रश्न बनते हैं, सादृश्यता पढ़ेंगे वहां पर भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनेंगे, संख्याओं पर आधारित। इसके आगे आप लुप्त पद पढ़ेंगे, लुप्त पद मिसिंग टर्म, यहां पर भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनेंगे। वर्गीकरण पढ़ेंगे, समानता और वर्गीकरण, ये जो पढ़ते हैं आप क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं, यहां पर भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर जो मैं पढ़ रहा हूं केवल वो एक ही चैप्टर में काम आएगा, क्या ऐसा नहीं है। आप जो संख्याओं पर काम कर रहे हैं, आप लॉजिक्स ढूंढ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ना, बीच बीच में मैं लॉजिक आपको बताते रहता हूं कि डिफरेंस का जो सीरीज है उसमें ये लॉजिक भी लग रहा था, इस लॉजिक से भी आंसर आता, इस लॉजिक से भी आंसर आता, इस प्रकार की बातचीत में करते रहता हूं बीच बीच में कि 1² + 2² = 5 होता है, 3² + 4² = 15 होता है, 25 होता है, इस प्रकार की बातचीत में जो बीच बीच में करता हूं ना, ये देखिए वर्गों की बात कर रहा था मैं, घनों की बात कर रहा था मतलब स्क्वायर्स की बात कर रहा था, क्यूब्स की बात कर रहा था, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इनकी बात कर रहा था मैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, सम संख्या, विषम संख्या यानी कि इवन नंबर, ऑड नंबर, इनकी जो मैं बात कर रहा था ये सब लॉजिक्स काम आएंगे। संख्याओं पर आधारित प्रश्न सादृश्यता में आएंगे, लुप्त पद में आएंगे, वर्गीकरण में आएंगे, इन सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो सब काम आने वाला है, सब कुछ काम आने वाला है। ये जो बीच बीच में आपको बताते रहता हूं कि 1 × 2 = 2 होता है, 3 × 4 ये देखिए 12 होता है, इस प्रकार के डेटा को पहचानना सीखिए, ऐसे डेटा को पहचानना सीखिए, 25 को पहचानना सीखिए, 25 यानी 5 का वर्ग भी होता है। ये जो बीच बीच में बात करते रहता हूं, इस प्रकार के लॉजिक्स जो मैं आपको बीच बीच में बताते रहता हूं, ये कहीं ना कहीं आगे चल के इन चैप्टर्स में भी यूज होंगे, क्योंकि संख्याओं पर आधारित प्रश्न यहां पर भी आएंगे, यहां पर भी आएंगे, यहां पर भी आएंगे। ये चारों चैप्टर्स में काम तो आपको एक ही करना है, वो काम क्या है, लॉजिक ढूंढो। इन चारों चैप्टर्स में एक ही काम करना है, वो काम है लॉजिक ढूंढने का। तो ऐसा नहीं कि सर मैं अभी एक ही चैप्टर में काम कर रहा हूं, क्या चैप्टर तो श्रृंखला का चल रहा है, लेकिन यही चीजें आपको बाकी के चैप्टर में भी दिखाई देंगी। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इसके बाद अक्षरों पर आधारित प्रश्न, यहां पर भी आते हैं अक्षरों पर आधारित प्रश्न, जो अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं यहां पर भी आते हैं अक्षरों पर आधारित प्रश्न, यहां पर भी आते हैं अक्षरों पर आधारित प्रश्न, और यहां पर भी आते हैं, चारों में फिर एक ही चीज काम आती है।
इसीलिए ध्यान से समझेंगे, अभी जो चल रहा है वो आगे बहुत काम आने वाला है। और कल मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन को लेकर के, क्या अप्रोच होगा, याद है मल्टीप्लिकेशन का सीरीज को किस प्रकार से डील करना है। देख लो, कल मैंने समझाया था, कल जो एग्जांपल मैंने समझाया था उसी एग्जांपल को एक बार वापस से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। ये देखिए, कल मैं इस एग्जांपल को एक समझाया था, इसी को मैं वापस से एक बार समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तो कल मल्टीप्लिकेशन की श्रृंखला अपन ने स्टार्ट की है, मल्टीप्लिकेशन की। ध्यान से एक प्रश्न जो कल मैं समझाया था उसी से शुरुआत करता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, कुछ अपवाद भी समझाऊंगा, जो देखने से लगेंगे कि डिफरेंस के हैं, लेकिन रहेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के। अभाज्य संख्याओं को लेकर के कुछ अलग प्रकार की श्रृंखलाएं रहती हैं, वो भी बताऊंगा आपको। तो बहुत कुछ है, ध्यान से देखेंगे, आज लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अक्षरों पर आधारित श्रृंखला के लिए अपन बेस बनाएंगे, अक्षरों पर आधारित श्रृंखला। तो जो बेस बनाएंगे ना, वो इन तीनों में काम आएगा, इन तीनों में भी काम आएगा जो आज बेस बनाएंगे। जैसे संख्याओं पर आधारित श्रृंखला के लिए अपन ने जो बेस बनाया था वो आगे चल के काम आएगा, वैसे ही अक्षरों पर आधारित श्रृंखला के लिए जो बेस बनाएंगे वो आगे चल के काम आएगा। तो इस प्रकार की श्रृंखला थी आपके सामने, 3, 4, 9, 32 क्वेश्चन मार्क 924। आपको देखकर समझ में आना चाहिए कि यह श्रृंखला मल्टीप्लिकेशन की है, ये देखकर समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बोला था कि पूरी श्रृंखला को देखकर एनालिसिस करना कि श्रृंखला मल्टीप्लिकेशन का है या डिफरेंस वाला है। तो पूरे श्रृंखला को देखना, इन दोनों को देखोगे तो लगेगा कि यह श्रृंखला तो सर डिफरेंस का है, लेकिन ऐसा नहीं कि शुरू के दो टर्म को देख करके आप बोल दिए कि श्रृंखला डिफरेंस का है। पूरे श्रृंखला को देखना, पूरे श्रृंखला को देख करके आपको समझ में आएगा कि श्रृंखला मल्टीप्लिकेशन का है या डिफरेंस का है। खासकर अंतिम के दो पदों को देखना है, कल समझाया था, खास करके अंतिम के दो पदों पर आपको पकड़ बनानी है। अंतिम के दो पदों पर अगर आप पकड़ बना लिए तो आपको समझ में आ जाता है। अब अंतिम के दो पद तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पद मिसिंग है, ये 924 है, तो ये वाला पद मिसिंग है और ये 924, तो अंतिम के यहाँ दो पदों को उठा नहीं सकता। लेकिन आपको देखकर कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि सर 9 के बाद 32 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 924 पहुंच गया, इसका मतलब कहीं ये श्रृंखला मल्टीप्लिकेशन की है, क्योंकि 924 पहुंच गया है, इसका मतलब ये श्रृंखला कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन की है, क्योंकि 32 के बाद जो भी आएगा, 924 जाने का मतलब अंतिम के दो पदों को अगर मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं कंफर्म है कि ये श्रृंखला मल्टीप्लिकेशन की दिखाई देगी। मैंने बोला था अंतिम साइड में जाएंगे आप तो 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना 4 गुना इससे ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब वो श्रृंखला होगी मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन की श्रृंखला है ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अंतिम के दो पदों को पकड़ के यहां लिख लेना। अंतिम के दो पद नहीं दिए हैं तो उसके पहले के दो पद, लिख दिया मैंने, और 32। अगर अंतिम के दो पद होते तो अंतिम के दो पद को लिख देता, नहीं है तो उसके पहले के दो पद लिख दिया मैंने, और 32। अब 9 से 32 लाना है, मल्टीप्लाई करके ही लाना है, यह आपने दिमाग में बैठा लिया कि सर 9 से 32 लाना है और मल्टीप्लाई करके ही लाना है। तो आपके पास एक तरीका है कि 9 का 4 में गुणा करो 36, उसमें 4 घटाओ तो आएगा 32। 9 का किसी में सीधे सीधे गुणा करने पर 32 तो आएगा नहीं, तो 9 का 4 में गुणा करके 4 घटाने पर आएगा 32, 9 का 3 में गुणा करके 5 जोड़ने पर आएगा 32। तो 9 से 32 पहुंचने के दो रास्ते हैं मेरे पास। अब 9 का 2 में तो गुणा करने बैठोगे नहीं कि 9 दूनी 18 और उसमें जोड़ दूंगा सर इतना तो 32 होगा, आप 9 पचे 45 उसमें इतना घटा दूंगा तो 32 होगा, ये तो करने बैठेंगे नहीं। 32 के नजदीक जाओ तो 32 के नजदीक 9 चौक 36 पहुंचाएगा और 9 तरीका 27 पहुंचाएगा। तो आपने बोला 9 का 4 में गुणा किया 36, उसमें 4 कम करूंगा तो 32 आएगा, 9 का 3 में गुणा करूंगा 27, उसमें 5 जोड़ूंगा तो 32 आएगा। मतलब 9 से 32 लाने का ये दो तरीका मुझे दिखाई दे रहा है, 4 का गुणा करके 4 घटाओ, 3 का गुणा करके 5 जोड़ो, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट लॉजिक मुझे ये नजर आ रहा है, तो मैं इसी को पकड़ के चलता हूं। तो मैंने क्या बोला, 9 में 4 का गुणा करके 4 का गुणा करके 4 घटाया, चलो तो 4 से 9 को प्राप्त करते हैं। अब 4 से 9 को प्राप्त करने के लिए पहले मैं आगे ही जाऊंगा ना, आगे जाऊंगा, क्योंकि 9 से कहां गया मैं 36, फिर वापस आया 32 में,
9 चौको 36, उसमें 4 घटाया, तो वैसे ही 4 से 9 में जाना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, 4 तिया 12, 9 से आगे निकलूंगा, वापस 9 में आने के लिए 3 घटाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया कि सर 4 तिया 12 उसमें 3 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 9। इसका मतलब लॉजिक मुझे पकड़ में आ रहा है कि 3 का गुणा करके 3 घटाया, 4 का गुणा करके 4 घटाया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 का गुणा करके 2 घटाने पे आना चाहिए, आ रहा है क्या, 3 में 2 का गुणा किया 6, 6 में 2 घटाया 4। तो लॉजिक समझ आ गया, 3 में 2 का गुणा करके 2 घटाया, 4 में 3 का गुणा करके 3 घटाया, 9 में 4 का गुणा करके 4 घटाया, तो 32 में 5 का गुणा करके 5 घटाने पे मुझे प्राप्त हो जाएगा ये वाला नंबर। तो 32 में 5 का गुणा करके 5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 32 पंचे 160, 160 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 155। तो आंसर क्या हो जाएगा, 155। आपने अगर पहचान लिया कि सीरीज मल्टीप्लिकेशन का है, इसका मतलब आपको 9 से 32 मल्टीप्लाई करके ही लाना है, 9 से आप 32 मल्टीप्लाई करके ही लाओगे। अगर आपने पहचान लिया कि सीरीज मल्टीप्लिकेशन का है, इसका मतलब 9 से 32 मल्टीप्लाई करके ही लाओगे। तो 9 से 32 लाने के लिए पहले आप 9 का 4 में गुणा किए, 4 घटाए, देखो 32 के नजदीक 9 चौको 36 पहुंचाएगा और 9 तिया 27, 9 दुनिया 18 तो करोगे नहीं आप, समझ आ रहा है, 9 पचे 45 तो आप करोगे नहीं, तो 9 चौको 36 पहुंचाएगा 32 के नजदीक और 9 तिया 27 पहुंचाएगा, 9 चौको 36 में 4 घटाऊंगा तो 32 आएगा, 9 तिया 27 में 5 जोड़ूंगा तो 32 आएगा। अब आपके पास दो अप्रोच है, 4 का गुणा करके 4 घटाओ या 3 का गुणा करके 5 जोड़ो, तो ज्यादा जो अच्छा लगता है, एप्रोप्रिएट लगता है, उसको पहले चेक करना। तो 4 का गुणा करके 4 घटाया, मतलब पहले आगे गया ना, 32 के आगे गया 36 में, फिर आया वापस 32 में, तो 4 से 9 लाने के लिए पहले 4 का किसमें गुणा करूं, 4 दुनिया 8, ये तो पीछे रहूंगा, 4 तिया 12, उसमें 3 घटाऊंगा तो आएगा 9, तो इसमें 3 का गुणा करके 3 घटाया, इसमें 4 का गुणा करके 4 घटाया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 2 का गुणा करके 2 घटाया होऊंगा, ये देखो मेरा आंसर आ गया, 5 का गुणा करके 5 घटाओ। क्रॉस चेक करना है तो आप 155 में 6 का गुणा करके 6 घटाओ, 924 आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आवश्यकता नहीं है उसकी। समझ आया अप्रोच क्या है, अप्रोच को पकड़ना है भाई, अप्रोच को पकड़ लिए ना तो काम खत्म हो जाता है, मेन तो अप्रोच है। आप सोचते हैं कि सर एग्जाम में देखेंगे जो भी होगा, आप खुद सोचो ना, अगर ये प्रश्न आता आपको अप्रोच ही नहीं पता है तो एग्जाम में कैसे इस प्रश्न को बनाओगे आप। समझ आया, बढ़े आगे जल्दी से बताइए, बन जाएगा यहां तक, बढ़े आगे, ट्राई करेंगे आप लोग कुछ प्रश्नों को, फिर बताओ भाई कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए फिर आप लोग, चलो प्रैक्टिस करिए। पहला प्रश्न लिखिए, लिखेंगे 17, 52, 158, 477 क्वेश्चन मार्क, चलिए बनाइए बनाइए, 17 है फिर 52 है फिर 158 है 477 है फिर क्वेश्चन मार्क है। मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, कैसे समझ आ रहा है, तो 158 से 477 ये 3 गुना से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, तो 158 से 477 ये तो 3 गुना के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है, तो 158 से 477 पहुंचना है आपको, तो आपको 158 से 477 पहुंचना है। अब सोचो कैसे 158 से 477 पहुंचा जाए, पूरा फोकस आपका यही होना चाहिए कि 158 से 477 कैसे लाया जाए, दिमाग लगाइए, गुणा करके ही लाना है, 158 से 477 गुणा करके ही लाना है। तो अब 2 में गुणा करेंगे तो बहुत पीछे रहेंगे, 4 में गुणा करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, 3 में गुणा होगा फिर देखिए कितना जोड़ना या घटाना पड़ रहा है, सीधे सीधे अगर आ गया 477 तो बहुत अच्छी बात है। बनाओ बनाओ कोशिश करो, आया आंसर सचिता 1435, और बाकी लोग का क्या आ रहा है, बाकी लोग का क्या आ रहा है जल्दी से बताओ मुझे। कविता वर्मा 1434, निधि साहू 1435, भावना 1434, क्या आएगा सोचो भाई, 1435 आएगा कि 1434 आएगा,
कविता वर्मा 1435 आना चाहिए ना भाई, 1435 आना चाहिए क्या? सोचो, गलतियां नहीं करेंगे, छोटी छोटी गलतियां हैं लेकिन आपका पूरा ये रिजल्ट बिगाड़ देंगी। 1435 आएगा, ठीक, धारणा बहुत बढ़िया खेमिन, बहुत बढ़िया। 1435 आएगा, 1435। देखो, सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि ये सीरीज कौन सा है। तो आपने पहचान लिया कि ये सीरीज है मल्टीप्लिकेशन का, आपने ये पहचान लिया कि सीरीज ये मल्टीप्लिकेशन का है। कैसे पहचान लिया? तो आपने पहचान लिया कि सर 17 है, 52 है, 158 है, 477, पूरे सीरीज को जब मैं देखा तो मुझे समझ में आ रहा है कि 158 और 477, 158 का 3 गुना के आसपास का डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन की है। तो 158 से 477 लाना है मुझे, बस पूरा पूरा फोकस ये होना चाहिए कि 158 से 477 लाना है और गुणा करके ही लाना है, गुणा करके ही लाना है। 158 से 477 गुणा करके ही लाना है। अब गुणा करके ही लाना है तो कैसे लाऊंगा? देखो, 158 में किसका गुणा करूं जिससे कि 477 आ जाए? तो 158 में किसका गुणा करूं? तो 158, देखो लगभग सोचना, अब 158 में मैं 2 का गुणा करूंगा तो 300 के आसपास रहूंगा, बहुत कम हो जाएगा। 4 का गुणा करूंगा तो ये 600 के आसपास जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 3 का गुणा होगा, तो 158 में 3 का गुणा करो कितना आएगा? देखो, 3 8 24, 3 5 15 और 2 17, 3 1 3 और 1 4। तो 158 से 477 लाने के लिए मैं 158 में 3 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 474, और इसमें 3 जोड़ूंगा तब जाके क्या आएगा? तब जाके आएगा 477। ये कोई इत्तफाक वाली बात नहीं है, इसी प्रकार से ही आएगा, और कोई तरीका नहीं है। आप 2 का गुणा करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 4 का गुणा करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैक्सिमम किसका यहां पर समझ में आ रहा है? 3 का गुणा करेंगे जिससे कि आप 477 एकदम नजदीक पहुंचेंगे। तो आपने क्या किया, फिक्स हो गया कि 3 का गुणा करके मैं इसमें 3 जोड़ा हूं। अब 52 से 158 कैसे आएगा देख लो। तो 52 में भी कहीं ना कहीं 3 का ही गुणा हो रहा है। 52 में जब मैं 3 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 3 2 6, 3 5 15, 156। 158 लाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसमें 2 जोड़ूंगा। क्लियर समझ में आ रहा है मुझे कि सर यहां पर 3 का गुणा करके 2 जोड़ा, तो लॉजिक मुझे पकड़ में आ गया कि 3 का गुणा करके 2 जोड़ा, 3 का गुणा करके 3 जोड़ा, तो यहां पर कहीं ना कहीं 3 का गुणा करके 1 जोड़ने पर आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है मतलब लॉजिक पकड़ में आ गया। तो 17 से 52, 17 3 51 और 1 जोड़ा। तो 17 से 52 लाने के लिए 3 का गुणा करके 1 जोड़ा, फिर 3 का गुणा करके 2 जोड़ा, फिर 3 का गुणा करके 3 जोड़ा। तो अब मुझे क्या करना होगा? 3 का ही गुणा करके 4 जोड़ना होगा। तो 477 में 3 का गुणा कर दो और 4 जोड़ दो, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 3 4 12 और 2 14, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 1435 होगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहां पे कितना लिखेंगे? 1435। समझ आ रहा है? एकदम आसान है। अगर आपने ये पहचान लिया कि सीरीज मल्टीप्लिकेशन का है तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर प्रश्न आपको बनाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने ये पहचान लिया है कि सीरीज जो है वो सीरीज मल्टीप्लिकेशन का है, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है ना, अगर आपने पहचान लिया कि सीरीज मल्टीप्लिकेशन का है तो आपका पूरा पूरा उद्देश्य क्या हो जाता है? आपका पूरा पूरा उद्देश्य ये हो जाता है कि सर 158 से मुझे 477 लाना है और गुणा करके ही लाना है। तो 158 से मुझे 477 लाना है सर, और गुणा ही करके लाना है, गुणा ही करके। तो जब पता है कि गुणा ही करके लाना है तो 158 का गुणा किसमें करूंगा? तो 158 का गुणा आप खुद सोचो किसमें करूंगा? 3 में करूंगा सर। तो 158 का 3 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 3 8 24, 3 5 15, 2 17, 3 1 3 और 1 4, 474, इसमें 3 जोड़ूंगा तब जाके आएगा 477, मतलब 3 का गुणा करके 3 जोड़ने पर आएगा। तो मुझे पता है कि 158 से 477 3 का गुणा करके 3 जोड़ने पर आएगा। तो उसके पहले वाला देख लो, 52 से 158 तो 3 का गुणा करके 2 जोड़ने पर, तो लॉजिक पकड़ में आ गया कि 3 का गुणा करके 2 जोड़ा, 3 का गुणा करके 3 जोड़ा, तो यहां पे 3 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे। देखो तो 17 3 51 और 1 52,
पकड़ में आ गया, तीन का गुणा करके एक जोड़ा, तीन का गुणा करके दो जोड़ा, तीन का गुणा करके तीन जोड़ा, तो यहां पे तीन का गुणा करके चार जोड़ूंगा, तो 477 में तीन का गुणा करके चार जोड़ दीजिए, 1435। समझ आया? जल्दी से कमेंट करो, एकदम क्लियर हो जाता है। और अप्रोच ही आपको नहीं पता है कि कहां से स्टार्ट करें, तो ऐसे प्रश्नों में समस्या होती ही है। अगर आप अप्रोच को ही नहीं पकड़ पा रहे हो, कैसे स्टार्ट करना है, सीरीज को ही नहीं पहचान पाए आप कि सीरीज कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है कि डिफरेंस का है, सीरीज को ही गलत तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ और ही सोचने बैठ गए, तो प्रश्न नहीं बनने वाला। फिर सीरीज को पहचान लिया है कि डिफरेंस का है या मल्टीप्लिकेशन का, तो प्रश्न बनेगा ही आपसे। चलो अगला प्रश्न। अब देखो दो अपवाद बता रहा हूं। अपवाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन का दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मल्टीप्लीकेशन का दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूं, दो स्टैंडर्ड सीरीज। मल्टीप्लीकेशन की दो ठो स्टैंडर्ड सीरीज है, दो स्टैंडर्ड सीरीज है, ध्यान से समझेंगे इसको, एकदम ध्यान से समझना। देखो अगर ध्यान से समझना, अगर दो नंबर सेम है, दो नंबर अगर सेम है, उसके बाद लगातार ऐसा बढ़ते जा रहा है सीरीज, ऐसा बढ़ते जा रहा है, ध्यान से समझना। अगर शुरुआत के दो नंबर या बीच के दो नंबर सेम है, दो नंबर अगर सेम है, दो नंबर अगर सेम है और लगातार ऐसा बढ़ते जा रहा है, लगातार ऐसा बढ़ते जा रहा है सीरीज, तो दो नंबर सेम है उसके बाद लगातार ऐसा बढ़ते जा रहा है, मतलब कंफर्म है कि यह सीरीज मल्टीप्लीकेशन का होगा, कंफर्म है एकदम। भले देखने से डिफरेंस का लगे लेकिन रहेगा मल्टीप्लीकेशन का। अगर दो नंबर सेम है और उसके बाद लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार ग्रोथ हो रहा है, तो सीरीज मल्टीप्लीकेशन का रहेगा, कंफर्म है, लगभग 99% कंफर्म है कि सीरीज रहेगा मल्टीप्लीकेशन का। ऐसा कोई भी प्रश्न जो सेंट्रल के एग्जाम में आया हो आज तक या व्यापम पीएससी में आया हो, आप उठा के देख लीजिए, अगर दो नंबर सेम है और उसके बाद लगातार ऐसा ग्रोथ हुआ है, लगातार ऐसा ग्रोथ हुआ है, तो वो सीरीज मल्टीप्लीकेशन का होता है। इसके अलावा मान लो एक बार कम हुआ, क्या बोल रहा हूं, कम हुआ, उसके बाद लगातार ऐसे बढ़ते गया, लगातार ऐसे बढ़ते गया, एक बार कम हुआ उसके बाद लगातार ऐसे बढ़ते गया, कुछ नंबर था यहां पे, एक कोई नंबर था, कम हुआ सीरीज, पहले कम हुआ, ये नंबर था 10, मान लो वहां से कितना हुआ 5, उसके बाद ऐसा लगातार ग्रोथ देखा गया, लगातार ग्रोथ देखा गया, तो ये सीरीज भी कंफर्म किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन का। तो दो नंबर सेम उसके बाद लगातार ग्रोथ होगा, या एक बार डाउन गया उसके बाद लगातार ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसी दो सीरीज अगर देखने से भी डिफरेंस लगती है लेकिन वो रहेगी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। देखने से भी लग रहा है कि सर ये तो डिफरेंस का लग रहा है यार, इतना धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन की ही होगी 99%। ये गारंटीड है कि ऐसा कोई सीरीज अगर आया तो वो सीरीज मल्टीप्लीकेशन का होगा। तो क्या बोल रहा हूं, एक बार नंबर पहले जो था वही नंबर, जैसे ये 12 है तो ये भी क्या है 12, ये 12 है तो ये 12, उसके बाद लगातार ऐसे बढ़ते गया, लगातार ऐसे बढ़ते गया, या ऐसा समझो कि 10 था, 5 हुआ, फिर 10, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा। तो इस प्रकार के पैटर्न की दो सीरीज अगर आपको दिखाई दी तो वो दोनों मल्टीप्लीकेशन की होगी। अगर देखने से डिफरेंस लगता भी है तो भी आप ये मान के चलना कि मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लाई करके ही मुझे लाना है आंसर को, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, समझ में आएगा आपको। लिखिए पहला एग्जाम्पल, तो आपको दिख ही जाएगा कि सीरीज जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है। चलो पहला एग्जाम्पल लिखो, इसमें लिखो 12, फिर से 12, 36, 180, क्वेश्चन मार्क 11,340। ये बन जाएगा आराम से, ट्राई करिए। ये तो देखने से ही क्लियर दिख रहा है कि ये सीरीज मल्टीप्लीकेशन का है, 11,340 तक पहुंच चुका है, तो ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि सीरीज जो है ये मल्टीप्लीकेशन का है। बनाइए, आसान प्रश्न है, सभी से बनना चाहिए ये, ट्राई करिए, बन जाएगा, ये आसान सा है भाई, ये तो दिक्कत नहीं करेगा। 36 से 180 लाओ, 36 से 180 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा देख लो,
36 से 180 मल्टीप्लाई करके हिलाना है, दो नंबर सेम दिखाई दिए उसके बाद लगातार ग्रोथ हो रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का ही सीरीज होगा ये, मल्टीप्लीकेशन का क्या आएगा, आ गया आंसर, बहुत बढ़िया 1260 भावना सचिता, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग का क्या आ रहा है देखो तो एक बार जल्दी से, 1260 आ रहा है कविता, अजीत बहुत बढ़िया, टेकेश्वर बहुत बढ़िया, 1260 बनेगा भाई, अप्रोच देखना आज आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप जहां तक पॉसिबल है बन जाएगा, प्रैक्टिस शीट में भेजूंगा, फिर प्रैक्टिस शीट बनी हुई है ऑलरेडी उसको भेजूंगा मैं, देखना उसके प्रश्न आराम से लगा लेंगे आप, मजा आएगा आपको, संख्याओं पर आधारित श्रृंखला आपसे बनेगी। पहला जो दिन था वो तो मेनली इंट्रो ही हुआ था, वहां पे बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं पाया था, कल जो लेक्चर हुआ था वहां पर मैंने पूरा बताया था, और आज इस पे काम कर रहे हैं अपन। 1260 बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, ये तो दिखाई दे ही रही है हमको मल्टीप्लीकेशन की है, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, 11340 तक पहुंच गया है, तो 11340 तक अगर पहुंच गया है मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी एकदम बात है, एकदम ऑब्वियस सी बात है कि ये सीरीज मल्टीप्लीकेशन का होगा। चलो मल्टीप्लीकेशन का है तो अंतिम के दो पदों को पकड़ लो, लेकिन अंतिम के दो पदों को पकड़ेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे लुप्त है, तो आप इन दोनों को पकड़ लो, 36 और 180 को। अब आपका पूरा पूरा उद्देश्य ये है कि 36 से 180 लाना है और गुणा करके ही लाना है, तो 36 से 180 लाना है मुझे और गुणा ही करके लाना है, गुणा ही करके लाना है, तो 36 में किसका गुणा करूंगा तो 180 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 36 में 5 का गुणा करने पर 180 आता है, ये देखिए 36 में 5 का गुणा करने पर 180 है, तो सीधे सीधे आ गया, तो और अच्छी बात है, इससे पहले के प्रश्नों में नहीं आ रहा था, चार का गुणा कर रहा था, चार घटा रहा था, तीन का गुणा कर रहा था, चार जोड़ रहा था, ये सब करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो सीधे सीधे आ गया, 36 में 5 का गुणा करने पर 180 आ गया, तो 36 में 5 का गुणा करने पर 180 आ गया, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले वाले को देख लो फिर, 12 से 36 सीधे सीधे कोई गुणा करने पर आएगा, तीन का गुणा करने पर, तो 12 से 36 कैसे आया, तीन का गुणा करने पर, तो ये तीन का गुणा करने पर, ये पांच का गुणा करने पर, तो ये हो सकता है एक का गुणा करने पर आया हो, ये देखो मतलब एक तीन पांच विषम संख्याओं का रोल चल रहा है, एक का गुणा किया, तीन का गुणा किया, पांच का गुणा किया, एक का गुणा किया, तीन का गुणा किया, पांच का गुणा किया, तो यहां पर किसका गुणा करूंगा, तो यहां पर मैं सात का गुणा कर दूंगा, तो 180 में सात का गुणा कर दो, 18 सत्य होता है 126, 1260 हो जाएगा आंसर। आप क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक कर लीजिए, 1260 में आप 9 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 11340, 1260 में 9 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1260 में अगर आप 9 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 11340। तो ये विषम संख्याओं का रोल चल रहा है, एक का गुणा, तीन का गुणा, पांच का गुणा, तो एक तीन पांच ये विषम संख्याएं हैं, एक तीन पांच, तो अगला क्या होगा, सात, अगला क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा, समझ आ रहा है। वापस से देख लीजिए एक बार, क्या किए हैं यहाँ पे, वही काम जो अभी तक सीखते आए हैं, वही काम किए हैं सर। आपने बोला सर ये मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है, दिख ही रहा है सर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, और एक बात आपने ये भी समझाई सर कि दो नंबर अगर सेम है उसके बाद ग्रोथ लगातार हो रहा है, इसका मतलब ये सीरीज जो है ये कंफर्म है कि ये सीरीज मल्टीप्लीकेशन का है। तो अंतिम के दो पदों को उठा लो, अंतिम के दो पद तो है ही नहीं मेरे पास, ये ऑलरेडी लुप्त है, तो आप उसके पहले वाले दो पदों को उठा लो, तो 36 और 180 को उठा लो, तो 36 से 180 लाना है, अब 36 से 180 लाना है गुणा ही करके लाना है, तो 36 से 180 अगर गुणा ही करके लाना है तो मैं किसका गुणा करूंगा, पांच का, तो 36 से 180 लाना है पांच का गुणा करके, 36 पंचे 180 पांच का गुणा करके लाना है, तो 36 से अगर 180 पांच का गुणा करके लाना है तो उसके पहले वाले को देखो, 12 से 36 तीन का गुणा करने पर आएगा, 12 से 12 एक का गुणा करने पर आएगा, तो एक का गुणा, तीन का गुणा, पांच का गुणा, तो अगला क्या हो जाएगा, सात का गुणा, सात का गुणा कर दिया 180 में, तो 18 सत्य होता है 126, 1260, तो अगला क्या होगा, नौ का गुणा। तो यहाँ पर विषम संख्याओं का पैटर्न चल रहा है, एक का गुणा, तीन का गुणा, पांच का गुणा, सात का गुणा, तो अगला क्या हो गया, यहाँ पर नौ का गुणा हो गया, ये देखो नौ का गुणा,
बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं, जल्दी से बताइए, बन जाएगा यहां तक? अच्छा, ऐसा होता तो परेशान तो नहीं होते ना, दो का गुड़ा, तीन का गुड़ा, पांच का गुड़ा, सात का गुड़ा, ग्यारह का गुड़ा, क्या चल रहा है बताओ तो? ये ऐसा पैटर्न भी दिख सकता था आपको, ये तो विषम संख्याओं का पैटर्न हो गया, विषम संख्याओं को लिख रहा है वो, एक तीन पांच सात नौ, जल्दी से कमेंट करके बताओ ये कौन सी संख्याएं लिख रहा है, दो का गुड़ा, तीन का, पांच का, सात का, ये कौन सा पैटर्न चल रहा है, जल्दी से बताओ तो मुझे, दो तीन पांच सात ग्यारह, ये तो समझ आ गया था कि सर ये पांच का गुड़ा, तीन का गुड़ा, एक का गुड़ा, तो एक तीन पांच, तो अगला सात होगा, ये आपको समझ में आ गया था, ये कौन सा पैटर्न है, तो आपने बोला विषम संख्याओं का पैटर्न है, तो वेरीफाई करने के लिए आप यहां पर चेक भी कर सकते थे, नौ का गुड़ा करने पर आएगा 11,340, लेकिन अगर मैं बोलता हूं दो का गुड़ा, तीन का गुड़ा, पांच, सात, ग्यारह, तो ये कौन सा पैटर्न है, अभाज्य संख्याओं का, बहुत बढ़िया, ये है अभाज्य संख्याओं का पैटर्न, याद रखिएगा, इस पे भी प्रश्न बनेगा अभी, ये अभाज्य संख्याओं का पैटर्न है, अभाज्य संख्याओं का पैटर्न है, अभाज्य संख्याएं लिखवाया था ना, जो केवल और केवल खुद से और एक से भाग जाए, उसके अलावा किसी और से भाग ना जाए, जो केवल और केवल स्वयं से और एक से भाग जाए, उसके अलावा किसी और से भाग ना जाए, वो कहलाएगी अभाज्य। तो यहां पर मैं बात कर रहा था, ये दो स्टैंडर्ड सीरीज की दो संख्याएं सेम, लगातार ग्रोथ कम हुआ उसके बाद लगातार ग्रोथ होगा। चलो लिखो तो अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए, ये देखो, चार, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, नौ, बत्तीस, क्वेश्चन मार्क। देखो, देखने से लग रहा है ये तो छोटे छोटे पद है सर, देख पा रहे हो, एक बार कम हुआ उसके बाद लगातार ऐसा ग्रोथ हो रहा है, लगातार ऐसा ग्रोथ हो रहा है, तो मैंने बोला एक बार कम होकर लगातार ग्रोथ हुआ, मतलब मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है। बनाओ इसको, बनाओ तो क्या आएगा, बन जाएगा आसानी से, ऐसा काम तो किए थे, बन जाएगा यार, ये तो ऐसा काम तो कर चुके थे अपन, बनाओ बनाओ जल्दी से, ऐसा काम कर चुके हैं, बनना चाहिए, ये ट्राई करिए, ये तो बन जाएगा। तो एक बार कम होकर लगातार अगर ग्रोथ हो रहा है, एक बार कम होकर लगातार ऐसा ग्रोथ हो रहा है, एक बार कम हुआ उसके बाद लगातार ऐसा ग्रोथ हो रहा है, वो सीरीज कंफर्म है, मल्टीप्लिकेशन का सीरीज होगा। अंतिम के दो पदों को पकड़ लो, यहां पे सोचना ही मत कि सर मल्टीप्लिकेशन है कि डिफरेंस है, मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड सीरीज है दो, कम होकर लगातार ग्रोथ होगा, लगातार ग्रोथ, तो कम होकर लगातार अगर ग्रोथ हो रहा है, तो कम हुआ उसके बाद लगातार ऐसा ग्रोथ हो रहा है, तो ये सीरीज होगा मल्टीप्लिकेशन का। जल्दी से बनाओ, बहुत बढ़िया, 156 सभी का आ रहा है, 155 भी आ रहा है कुछ लोग का, क्या होगा 155 की 156, 155 या 156, जल्दी से बताओ, 155 होगा कि 156 होगा, 155 मैक्सिमम लोगों का आ रहा है, देखो तो बन जाना चाहिए था, ये तो बन जाना चाहिए था भाई। आपने समझ लिया कि ये सीरीज कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन का है, इसका मतलब 9 से 32 लाना है, मल्टीप्लाई करके ही लाना है, इसको तो लाए थे अपन यार, याद करो, 9 का 4 में गुणा करके 4 घटाए थे सर, 9 चौको 36 माइनस 4 32, 9 का 4 में गुणा करके 4 घटाए थे, याद करो 9 से 32 कैसे लाए थे, 9 का 4 में गुणा करके 4 घटाए थे। एक और तरीका, 9 का 3 में गुणा करके 5 जोड़ेंगे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, ज्यादा अप्रोप्रिएट ये लग रहा है, 9 का 4 में गुणा करके 4 घटाएंगे, तो 9 का 4 में गुणा करके 4 घटाएंगे, इस प्रकार से आया है 9 से 32। तो यहां पर आप पहले आगे जाओगे ना, 9 से 32 लाने के लिए पहले 32 से आगे गया, 9 चौको 36, पहले मैं आगे गया 9 चौको 36, फिर मैं 32 में आने के लिए 4 घटाया, तो 4 से 9 लाने के लिए मैं पहले 4 तिया 12 करूंगा, उसमें 3 घटाऊंगा, तो 3 का गुणा करके 3 घटाया, 4 का गुणा करके 4 घटाया, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि सर 2 का गुणा करके 2 घटाना ही पड़ेगा, तो 3 दुनी 6
उसमें दो घटाऊंगा तो चार, यहां पर एक का गुणा करके एक घटाना पड़ेगा सर, तो चार का एक में गुणा किया चार, उसमें एक घटाया तो तीन, तीन का दो में गुणा किया उसमें दो घटाया तो चार, चार में तीन का गुणा किया उसमें तीन घटाया तो नौ, नौ में चार का गुणा किया उसमें चार घटाया तो बत्तीस। तो अगला मिल गया सर, अगला मेरे को मिल गया। कैसे मिल गया? बत्तीस में पांच का गुणा करके पांच घटा दो सर, पांच दुनी दस, पांच तिया पंद्रह और एक सोलह, एक सौ साठ माइनस पांच कितना हो जाएगा? एक सौ पचपन। तो ध्यान रखेंगे, देख पा रहे हो एकदम छोटे छोटे कहीं ना कहीं संख्याओं को देख रहे हैं, तो एक बार एग्जाम में लगता है कि सर ये डिफरेंस का सीरीज है, लेकिन नहीं, सेम संख्या आया दो ठो उसके बाद लगातार ऐसा बढ़ गया मल्टीप्लीकेशन, ऐसा कम हुआ उसके बाद लगातार बढ़ गया मल्टीप्लीकेशन। ये दो सीरीज ध्यान रखेंगे, ये दो सीरीज बहुत खास हैं, ये दो सीरीज, एक ये है कि दो नंबर सेम उसके बाद लगातार ग्रोथ हुआ, लगातार ग्रोथ हुआ मल्टीप्लीकेशन का, कम हुआ उसके बाद लगातार बढ़ता गया, लगातार बढ़ता गया, तो ये सीरीज मल्टीप्लीकेशन का। तो यहां पर आपने देखा कि सर चार से तीन हुआ उसके बाद लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का, मतलब नौ से बत्तीस मल्टीप्लाई करके ही लाना है, तो नौ से बत्तीस लाने के लिए नौ का चार में गुणा करके चार घटाऊंगा, तो चार से नौ लाने के लिए तीन का गुणा करके तीन घटाऊंगा, तो पीछे वाला दो का गुणा करके दो घटाने पे आना चाहिए, एक का गुणा करके एक घटाने पे आना चाहिए जो कि आ रहा है। इसका मतलब बत्तीस में पांच का गुणा करके पांच घटाऊंगा, एक सौ पचपन। चलो अगला प्रश्न लिखो, इसी वैरायटी का एक और प्रश्न लिखो। ये देखो 20, 10, ये देखो, देख पा रहे हो कम होकर लगातार बढ़ते जा रहा है, ये देखो कम होकर लगातार बढ़ते जा रहा है, बनाइए क्या आएगा। कम होकर लगातार बढ़ते जा रहा है, तो कम होकर लगातार अगर बढ़ते जा रहा है, पहले कम हुआ ये देखो, उसके बाद बढ़ते जा रहा है, उसके बाद बढ़ते जा रहा है, कम हुआ फिर आगे बढ़ते जा रहा है, दिमाग लगाइए, कम होकर फिर लगातार ग्रोथ दिखाई देगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन का है, दिमाग लगाओ, अच्छा प्रश्न है ये भी, आ जाएगा आंसर, दिमाग लगाइए। पंद्रह से तीस लाइए, गुणा करके ही लाना है, गुणा करके ही, क्योंकि ये सीरीज पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, कम होकर लगातार बढ़ते जाएगा मतलब सीरीज जो है मल्टीप्लीकेशन का है, तो 15 से 30 गुणा करके ही लाना है, 10 से 15 गुणा करके ही लाना है, आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा आंसर। सोचो सोचो भाई, 75 आएगा आशीष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 75, बहुत शानदार ऋषभ, बहुत बढ़िया, 75, बहुत बढ़िया, दिमाग लगाइए। देखो ऐसे में ही कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो सीरीज हमको डिफरेंस का नजर आ रहा है, तो आपको मैंने क्या बताया, कम होकर लगातार ग्रोथ हो रहा है, 20 से 10 हुआ उसके बाद ग्रोथ ही तो हो रहा है ना, तो कम होकर लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा कोई सीरीज अगर दिखाई दिया तो मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है, मतलब मल्टीप्लाई करके ही लाना है आपको उत्तर, मल्टीप्लाई करके ही लाना है, बहुत बढ़िया 75। देखो तो आपने समझ तो लिया कि ये सीरीज क्या है मल्टीप्लीकेशन का, ये सीरीज मल्टीप्लीकेशन का आपने समझ लिया। अब ये सीरीज अगर मल्टीप्लीकेशन का है तो आप क्या करिए, 15 और 30 को उठाइए, 15 से 30 लाना है, मल्टीप्लाई करके ही लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है 15 का दो में मल्टीप्लाई करूंगा, अब ऐसा तो करूंगा नहीं कि 15 का एक में गुणा करूंगा उसमें 15 जोड़ूंगा सर, 15 का तीन में गुणा करके 15 घटाऊंगा सर, ऐसा तो करूंगा नहीं मैं, 15 का सीधे सीधे दो में गुणा करूंगा क्या आएगा 30। तो आपने समझ लिया कि 15 से 30 कैसे आएगा, दो का गुणा करके, तो गुणा करके ही आगे आने वाला पद आएगा, ये आपको पता है क्योंकि सीरीज मल्टीप्लीकेशन का है, तो 10 से 15 गुणा करके ही लाना है, तो 10 से 15 गुणा करके ही लाना है, तो 10 में किसका गुणा करें जिससे 15 आ जाए, 1.5 का, डेढ़ का, 10 का डेढ़ गुना है 15, तो 1.5 का आपको पता है कि गुणा करके ही लाना है, गुणा करके ही लाना है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है, मतलब गुणा करके ही लाना है, तो 10 से 15 गुणा करके ही लाना है, किसका गुणा करूंगा 1.5 का, तो समझ में आ रहा है कि सर 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ यहां पर, ये देखिए सर यहां पर 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ,
तो कहीं ना कहीं यहां पर होना चाहिए वन का मल्टीप्लाई हो रहा है सर, मतलब यहां पर होना चाहिए 0.5 का मल्टीप्लाई, 0.5 का मतलब 20 में आधे का गुणा करूंगा 10 आएगा, 10 में 1 का गुणा करूंगा 10, 10 में 1.5 का गुणा करूंगा 15, 15 में 2 का गुणा करूंगा 30, तो ऑब्वियस सी बात है 30 में किसका गुणा होगा, 2.5 का, 30 में 2.5 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 75 आ जाएगा, 75। ऐसे में कंफ्यूजन होता है, ऐसे प्रश्नों में ही देखने से लगता है कि सीरीज डिफरेंस का है। ये देखिए ना, तो मैं बोला कि ऐसा दो सीरीज अगर आपको मिला कि पहले दो नंबर सेम हैं, उसके बाद लगातार ग्रोथ हो रहा है, या पहले कम हुआ उसके बाद लगातार ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसा सीरीज गारंटीड है कि मल्टीप्लीकेशन का होगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, 20 से 10 हुआ फिर आगे जा रहा है बढ़ते हुए, तो आप ये समझे कि ये सीरीज मल्टीप्लीकेशन का है, मतलब 15 से 30 मल्टीप्लाई करके ही लाना है, तो मल्टीप्लाई करके लाना है मतलब 2 का मल्टीप्लाई, 10 से 15 मल्टीप्लाई करके ही लाना है मतलब 1.5 का मल्टीप्लाई, 10 से 10 मल्टीप्लाई करके ही लाना है मतलब 1 का मल्टीप्लाई, 20 से 10 मल्टीप्लाई करके ही लाना है मतलब 0.5 का मल्टीप्लाई। तो आपने समझ लिया कि सर 2 का मल्टीप्लाई 1.5 का, 1 का 0.5 का, मतलब 0.5 एक डेढ़ दो, तो अगला क्या होगा 2.5, तो मैं 30 में 2.5 का गुणा किया, क्या आ गया 75 आ गया। अच्छा प्रश्न था ये, एक और लिखो ऐसा ही वैरायटी का, अच्छा प्रश्न है, इसी वैरायटी का एक और प्रश्न, इसी वैरायटी का एक और प्रश्न है, लिखेंगे उसको भी। ये देखो इसी वैरायटी का एक और प्रश्न, जैसा ये दिया था मैं लिखिए 6, 3, 3, 4.5, 9, 22.5 क्वेश्चन मार्क, बनाइए, बनना चाहिए, बन जाएगा, ये भी बन जाएगा उसी वैरायटी का। देखो ना, देखने से लगता है कि डिफरेंस का है लेकिन नहीं है, कम होकर ग्रोथ हो रहा है। मैंने क्या बोला, कम होकर ग्रोथ होगा, कम होगा उसके बाद लगातार ग्रोथ होगा, तो कम होकर उसके बाद लगातार ग्रोथ होगा, तो कम होकर अगर लगातार ग्रोथ हो रहा है मतलब मल्टीप्लिकेशन का, कम होकर लगातार ग्रोथ होगा इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है वो, तो ये मल्टीप्लिकेशन का है पहले ही दिमाग में बैठ गया, इसका मतलब 4.5 से 9 मल्टीप्लाई करके ही लाना है, 9 से 22.5 मल्टीप्लाई करके ही लाना है, 3 से 4.5 मल्टीप्लाई करके ही लाना है, 3 से 3 मल्टीप्लाई करके ही लाना है, 6 से 3 मल्टीप्लाई करके ही लाना है, ये पहले ही आपने दिमाग में बैठा लिया। बनाओ, पॉइंट में आएगा, बहुत बढ़िया, 67.5 देवेंद्र, 78.75 तो नहीं आएगा भाई, 67.5 सचिता, युक्ता, भावना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बनाओ बनाओ, बाकी लोग बनाओ। अजीत टेकेश्वर, बहुत बढ़िया, बनाइए बाकी लोग, फटाफट सॉल्व करिए और देखिए आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। आशीष खेमीन, बहुत बढ़िया, 67.5, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, 67.5। संगीता, उषा, देवेंद्र, खुशी, बहुत बढ़िया। देखो 9 से 22.5 लाना है, तो 9 से 22, एक बात समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ये तो बन ही जाएगा। आप बोलेंगे सर 9 से मैं 22.5 नहीं लाया, मैं 4.5 से 9 लाया 2 का गुणा करके, 3 से 4.5 लाया 3 का 1.5 गुना मतलब 1.5 का गुणा करके, 3 से 3 लाया 1 का गुणा करके, तो 1, 1.5, 2, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या होगा 0.5, तो 0.5 1, 1.5, 2, तो यहां पर 2.5 होगा और आगे आने वाले में 3 हो जाएगा, 3 का गुणा, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 1 = 7, 3 × 2 = 6, 67.5 आप लोगों ने बना लिया। ऐसा आप लोग 9 से 22.5 ना लाकर आप 4.5 से 9 लाए, 4.5 से 9 कैसे आएगा, 2 का गुणा करने पर 4.5 का डबल है, 3 से 4.5 कैसे आएगा, दिख रहा है ये 3 से 4.5 कैसे आएगा, तो 3 से 4.5 आएगा 1.5 का गुणा करने पर, दिख रहा है ये,
तीन से तीन कैसे आएगा, तो दिख रहा है तीन से तीन कैसे आएगा, एक का गुणा करने पर। छह से तीन कैसे आएगा, दिख रहा है छह से तीन कैसे आएगा, 0.5 का मल्टीप्लाई करने पर। तो 0.5, 1, डेढ़, 2, 2.5, उसके बाद 3। आप लोग ऐसा देख लिए हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक बार कम हुआ उसके बाद बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो वो सीरीज मल्टीप्लिकेशन का होगा, भले वो डिफरेंस के जैसा दिखे। एक और मैं बात क्या बता रहा था कि अगर आप 9 से 22.5 लाने का कोशिश करते, 9 से 22.5 लाने का कोशिश करते, तो आप क्या करते, सर 9 में 2 का गुणा करूंगा आएगा 18, 18 में 4.5 जोड़ूंगा तब आएगा 22.5। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, बहुत काम की बात बता रहा हूं। आप बोलते सर 9 से 22.5 कैसे लाया जाए, मल्टीप्लाई करके ही लाना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है। यह आपने पहचान लिया कि मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, मतलब मल्टीप्लाई करके ही लाना है। तो 9 से 22.5 कैसे लाया जाए, तो आप बोलेंगे सर 9 में 2 का गुणा करो 18, उसमें 4.5 जोड़ो। थोड़ा सा ध्यान देना, ये 4.5 क्या है, 9 का आधा है। ये 4.5 क्या है, 9 का आधा। तो 9 में 2 का गुणा किया और 9 का आधा जोड़ दिया। क्या बोल रहा हूं, 9 में 2 का गुणा किया और 9 का आधा जोड़ दिया। इससे अच्छा आप सीधे क्या बोलो, 9 में 2.5 का गुणा ही करना है भाई। समझ आ रहा है, कितना आएगा देखो, 9 पचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22। अगर आप 9 में 2 का गुणा करके 9 का आधा जोड़ रहे हो, 9 में 2 का गुणा करके 9 का आधा जोड़ रहे हो, इससे अच्छा 9 में सीधे 2.5 का मल्टीप्लाई करो। अगर आप 9 में 2 का गुणा किए और 9 का आधा जोड़े, तो 9 में 2 का गुणा करके 9 का आधा जोड़ने से अच्छा, 9 में 2 का गुणा करके 9 का आधा जोड़ने से अच्छा आप सीधे सीधे 9 में 2.5 का गुणा करो, कितना आ जाएगा, 22.5। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक होता है कि 9 से 22.5 में मुझे जाना था सर, तो 9 से 22.5 में जाने के लिए मैं 9 का 2 में गुणा करूंगा 18 आएगा और उसमें 4.5 जोड़ूंगा। ये 4.5 क्या है, ये 4.5 जो है 9 का आधा है। तो 9 का डबल करके 9 का आधा जोड़ने का मतलब सीधे सीधे 9 में 2.5 का गुणा करना। तो 9 से 22.5 कैसे आएगा, 2.5 का गुणा करने पर। 4.5 से 9 गुणा करने पर ही 2 का, तो 2 का गुणा 2.5 का गुणा, तो यहां 1.5 का, यहां 1 का, यहां आधे का, तो आगे वाला 3 का गुणा करने पर। एक अंतिम प्रश्न लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, बहुत सही जा रहे हैं। देखो अच्छे अच्छे प्रश्नों पे पकड़ मजबूत हो रही है, जो बातें बता रहा उसका नोट्स बना लो और ध्यान रखो, बहुत शानदार रहेगा आपके लिए। ये तो आसान प्रश्न दिख रहा है मुझे, ये तो आसान प्रश्न है, 37, 39 क्वेश्चन मार्क है, 242, 970, 4852। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अंतिम के दो पदों को लाने का कोशिश करना, 970 से 4852 लाओ, उसके बाद 242 से 970 लाओ। दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, मतलब मल्टीप्लाई करके ही लाना है। मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है इसका मतलब मल्टीप्लाई करके ही लाना है, तो मल्टीप्लाई करके ही लाना है, तो आप दिमाग लगाओ, मल्टीप्लाई करके ही लाना है तो दिमाग लगाइए, आएगा, बन जाएगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन बस है, बनाओ बनाओ जल्दी से सभी लोग। आ रहा है क्या आंसर, निकालिए, आएगा आएगा आंसर, निकालिए। सिंपल सा तो है, सिंपल सा प्रश्न है, बनाओ भाई, बनना चाहिए था। ये अंतिम प्रश्न ले रहा हूं मैं मल्टीप्लिकेशन का, इसके बाद थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं को लेकर के काम कराऊंगा। 970 से 4852 लाओ ना, 5 का गुणा करो तो पहुंचाएगा आपको, देखो ना 9 से 48 5 बार में जाएगा, तो 5 का गुणा करो तो आसपास पहुंचोगे। यहाँ पे देखो ना 24 से 97 4 बार में जाएगा, तो 5 का गुणा करने पे आसपास पहुंचोगे, 4 का गुणा करने पे आसपास पहुंचोगे। कितना जोड़ना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, देख लो, 80 आएगा आंसर, 80, बहुत बढ़िया, 80 जिनका आ रहा है सही है, ट्राई करो भाई, 80 आना चाहिए आंसर।
80 आएगा, बहुत बढ़िया, कोशिश करो। इसके बाद 2022 में पटवारी में दो प्रश्न आया था व्यापम में, वो कराऊंगा। देखना व्यापम अभाज्य संख्या को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछा है, तो अभाज्य संख्या के प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ना वो डिफरेंस से बनते हैं ना वो मल्टीप्लीकेशन से बनते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो अभाज्य संख्या का बहुत बड़ा रोल है, तो अभी अभाज्य संख्या को लेकर के बहुत सारी बातें लिखवाऊंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सचिता 80 आएगा, बहुत बढ़िया, अभाज्य संख्या को लेकर बहुत सारी बातचीत समझाऊंगा अभी आपको मैं, और वो प्रश्न कराऊंगा, दो प्रश्न। 80 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोलेंगे, देखो सर मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है ये तो हम पहचान गए कि मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है, मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। 970 के बाद 4852 हो गया, मतलब ये 5 गुना के आसपास चला गया, मतलब मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है। चलो आपका पहला कोशिश यही होगा कि 970 से 4852 लेकर आया जाए, मल्टीप्लाई करके ही लाना है। तो देखो ना, आप 9 से 48 को डिवाइड करो, 5 बार जाएगा, 950 होता है 4500, तो लगभग 5 का गुणा करने पर मैं आसपास पहुंच जाऊंगा। चलो 5 का गुणा करो तो 5 7 35, 5 9 45 और 3 कितना 48। ये देखो 970 में 5 का गुणा किया तो 4850 आ रहा है, इसका मतलब 970 में 5 का गुणा करके 2 जोड़ूंगा तब आएगा 4852। 970 में 5 का गुणा करके 2 जोड़ूंगा, तो यही तरीका है 970 से 4852 लाने का। क्या तरीका है, 5 का गुणा करके 2 जोड़ूंगा, तो 970 में 5 का गुणा करके 2 जोड़ूंगा, तो 970 में 5 का गुणा किया, 5 7 35, 5 9 45 और 3 48, 4850, लेकिन लाना था 4852, तो 2 जोड़ा तो आ गया 4852। तो 5 का गुणा करके 2 जोड़ा, तो 970 में 5 का गुणा करके 2 जोड़ा। अब 242 से 970 लाने के लिए गुणा करना पड़ेगा, देखो तो किसका गुणा करना है, तो 242 से 970 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा लगेगा भाई, 4 का गुणा करते हैं, 4 2 8, 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, तो 4 का गुणा करके 2 जोड़ रहा हूं मैं, 4 का गुणा करके 2 जोड़ा तो आ जाएगा कितना 970। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 का गुणा करके 2 जोड़ा, तो इसमें 4 का गुणा करके 2 जोड़ा, इसमें 5 का गुणा करके 2 जोड़ा, गलती जो किए हो ना शुरू में, इसमें 3 का गुणा करके 2 जोड़ूंगा, तो यहां पर 2 का गुणा करके 2 जोड़ूंगा, ये होगा ना भाई, आपको ये वाला पद चाहिए, तो 2 का गुणा करूंगा 39 में और उसमें 2 जोड़ूंगा। जो बच्चे शुरू में गलत आंसर दिए उन्होंने क्या किया था, 39 में 3 का गुणा करके 2 जोड़ दिया था, नहीं वो मत करना, समझो बात को, आपने क्या बोला, इसमें 5 का गुणा करके 2 जोड़ा, इसमें 4 का गुणा करके 2 जोड़ा, तो ये जो लुप्त है ना, इसमें 3 का गुणा करके 2 जोड़ूंगा तब ये आएगा, और ये लुप्त कैसे आएगा, 39 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ने पर, तो 39 में 2 का गुणा करो और 2 जोड़ दो, कितना जाएगा 39 2 78 78 और 2 कितना 80 आ जाएगा, तो ये जो आएगा ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये बनेगा यहां तक कंप्लीट पूरा, बताइए। तो 119 जो बता रहे थे शुरू में वही गलती कर रहे थे वो लोग, बन जाएगा यहां तक, बताइए जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, बन जाएगा यहां तक, आ रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस कि बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन का सीरीज था और लमसम तो समझ में आता है यार कि 970 से अगर 4852 लाना है तो 5 का मल्टीप्लाई करने पर ही पहुंचूंगा मैं, 4 में तो बहुत पीछे रह जाऊंगा, 6 में तो बहुत आगे निकल जाऊंगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई करिए, तो 970 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 4850 आया, इसमें 2 जोड़ने पर आएगा 4852, मतलब 5 का गुणा करके 2 जोड़ा, तो 242 से 970 लाइए। अब 242 से 970 लाने के लिए क्या करूंगा, 4 का गुणा करूंगा, 4 का गुणा किया अब उसमें 2 जोड़ा, तो इसमें 4 का गुणा करके 2 जोड़ने पर ये आया, इसमें 5 का गुणा करके 2 जोड़ने पर ये आया, तो जो लुप्त है ना उसमें 3 का गुणा करके 2 जोड़ने पर तो ये आएगा, वो लुप्त कैसे आएगा, इसमें 2 का गुणा करके 2 जोड़ने पर, और ये कैसे आया होगा, देखो ना इसमें 1 का गुणा करके 2 जोड़ने पर। चलो अब अभाज्य संख्या को लेकर कुछ बातचीत करते हैं थोड़ी।
और जो दो तीन प्रश्न आए थे व्यापम के एग्जाम में अपवाद स्वरूप उनको देखते हैं। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छी से बना रहे हैं। अभाज्य संख्या समझाया था क्या होती है, मैथ्स स्टार्ट करेंगे ना तो वहां पे पूरा परिभाषा लिखवाऊंगा, मैं पूरा स्टैंडर्ड परिभाषा भी लिखवाऊंगा, पूरा स्टैंडर्ड परिभाषा चलेगा। जब मैथ्स स्टार्ट करूंगा गणित आपको मंडे को शेड्यूल पूरा दे दूंगा मैं मंडे को, क्योंकि मंडे से एकदम शेड्यूल के तहत ही काम करेंगे, तो मंडे को पूरा मैं शेड्यूल दे दूंगा कि क्लासेस कैसे चलेंगी, किस दिन अपन क्या पढ़ेंगे, पूरे मंडे का शेड्यूल, मतलब पूरे मंडे से लेके सैटरडे तक का शेड्यूल आपको दे दूंगा मैं, हर सप्ताह का शेड्यूल आपको सोमवार को दे दूंगा मैं, कि कौन सा दिन क्या पढ़ना है आपको, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये पूरा शेड्यूल आपको दे दूंगा मैं मंडे से, पूरा प्रॉपर ऐसा 6 दिन का शेड्यूल आपके पास रहेगा कि किस दिन कौन सा विषय चलेगा, क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये पूरा बता दूंगा आपको मैं। ऐसा टारगेट लेके खत्म करूंगा इस बार, जिससे कि सही समय पर पूरा कवरेज हो जाए। चलिए देखिए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ये बताया था आपको मैं, ये होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसकी बचपन से परिभाषा क्या पढ़ते आ रहे हैं आप, तो बचपन से परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं आप कि जो केवल और केवल स्वयं से और एक से भाग जाए। अभी इतना समझिए, गणित जब पढ़ाऊंगा ना वहां पर देखना इसकी तीन तीन परिभाषाएं रिलेट करके समझाऊंगा, अभी के लिए बस इतना समझो कि जो केवल और केवल, जो केवल स्वयं से मतलब खुद से, जो केवल स्वयं से तथा एक से भाग जाती है, स्वयं से तथा एक से भाग जाती है, किसी और से भाग नहीं जाती है, किसी और से भाग नहीं जाती है, किसी और से भाग नहीं जाती है। तो जो केवल स्वयं से और एक से भाग जाती है, किसी और से भाग नहीं जाती है, तो केवल स्वयं से और एक से भाग जाती है, किसी और से भाग नहीं जाती है, इसको बोलते हैं अभाज्य। एक अभाज्य संख्या में नहीं आता है, अभी इतना ध्यान रखिए, गणित में पूरा क्लियर करूंगा मैं, तो एक अभाज्य संख्या में नहीं आता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब है अभाज्य संख्याएं। चलो प्रश्न लिखो जो आया था व्यापम के एग्जाम में, दो प्रश्न आए थे 2022 के एग्जाम की बात कर रहा हूं, दोनों बहुत शानदार प्रश्न थे। चलो पहला प्रश्न लिखो, पहला प्रश्न लिखेंगे, सीरीज का प्रश्न था ये, 6, 12, 30 क्वेश्चन मार्क, 132 और 182। अब देखने से लग रहा है डिफरेंस का सीरीज है, देखने से लग रहा है, सोचो तो कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ तो एक बार, दिमाग लगाइए थोड़ा, सोचिए एक बार। अभाज्य संख्या का कंसेप्ट लगाना है, चलो बता दिया मैं, अभाज्य संख्या का कंसेप्ट लगाना है बता दिया मैं, दिमाग लगाइए, अभाज्य संख्या का कंसेप्ट लगाना है तो दिमाग लगाइए। इसके बाद मैं कुछ रिजल्ट आपको लिखवा दूंगा जो याद ही करने हैं आपको, याद ही करने हैं, कुछ रिजल्ट आपको लिखवाऊंगा मैं जिनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है भाई, एग्जाम में दिमाग कितना नहीं चल पाएगा। सोचो, ट्राई करो, दिमाग लगाओ भाई, सोचो तो। और आज क्लास के बाद एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर लीजिएगा, काफी सारे बच्चों का हो गया है, क्योंकि हो सकता है कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो, डेमो का लिंक ओपन ना हो, कल से ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे 3 दिन के डेमो के लिए ही परमिशन दिया गया था, तो ऐसा हो सकता है कि कल से डेमो का लिंक ओपन ना हो, रेगुलर लिंक ही ओपन हो कल से, ऐसा जहां तक है संभव होगा, इसीलिए आप लोग आज पूरा प्रोसेस पूरा कर लेना, बनाइए, कोशिश करिए भाई, बनेगा। सोचो अभाज्य संख्या का लॉजिक लगाना है इसमें। देखो अब देखने से लगता है कि सर डिफरेंस का सीरीज है, दिक्कत यही है एग्जाम में, दिक्कत यही है कि देखने से लगता है डिफरेंस का सीरीज है, लेकिन डिफरेंस करने पर नहीं आएगा, आप करके देख लो नहीं आएगा। पता है लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक ये लगा है, 2 का वर्ग धन 2, 3 का वर्ग धन 3, 5 का वर्ग धन 5, देख पा रहे हैं, 2 अभाज्य संख्या, 2 का वर्ग धन 2, 3 का वर्ग 3, 5 का वर्ग धन 5, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग धन 7,
ये क्या है 11 का वर्ग धन 11, ये क्या है 13 का वर्ग धन 13, ऐसा कुछ हुआ है। अभाज्य संख्याओं का वर्ग करके उतना ही जोड़ दिया है। ये प्रश्न था, 6 को क्या लिखा है 2 का वर्ग धन 2, 12 मतलब 3 का वर्ग धन 3, 30 मतलब 5 का वर्ग धन 5, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग। अब कैसे बोले सर 2 है 3 है 5 है, मतलब अभाज्य संख्याएं चल रही हैं, 2 है 3 है उसके बाद 5 आया मतलब अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 3 के बाद 5 आया मतलब अभाज्य हो जाएगा वो, तो 2 का वर्ग धन 2 6 आएगा ना, 4 और 2 6, 3 का वर्ग धन 3 9 और 3 12, 5 का वर्ग धन 5 25 प्लस 5 30, तो 7 का वर्ग धन 7 49 और 7 कितना हो जाएगा 56, तो आंसर कितना हो जाएगा यहां पे 56। 11 का वर्ग धन 11 121 और 11 132, 13 का वर्ग धन 13 169 और 13 कितना 182, तो आप देख सकते हैं यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। भूमिका दोनों का साथ में करूंगा, ऐसा नहीं कि पहले रीजनिंग पूरा करूंगा, ऐसा नहीं करेंगे, अपन सप्ताह में ऐसा शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा, साथ साथ में खत्म करूंगा मैं ऐसा पूरा रीजनिंग, उसके बाद पूरा मैथ्स, इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा चीजें, साथ साथ में करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। समझ आया ये क्या हुआ है? देखो तो याद ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। 6 मतलब 2 का वर्ग धन 2, 12 मतलब 3 का वर्ग धन 3, 30 मतलब 5 का वर्ग धन 5, तो अभाज्य संख्याओं का वर्ग करके उतना ही जोड़ता जा रहा है। तो 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7, 7 का वर्ग धन 7, अगली अभाज्य संख्या 11, 11 का वर्ग धन 11, अगली अभाज्य संख्या 13, 13 का वर्ग धन 13, तो यहां पर आप देख सकते हैं 7 का वर्ग 49 और 7 कितना हो जाएगा 56। तो आपको याद ही करना पड़ेगा, याद क्या करना पड़ेगा आपको, तो याद ऐसे करना पड़ेगा कि सर ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, ये देखो ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, चलो इतना तो समझ आता है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये तो याद करना ही है आपको, तुरंत इनके वर्ग भी याद होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ चल रहा है, ये देखो ऐसा कुछ चल रहा है, ये देखिए ऐसा कुछ अगर चल रहा है मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का वर्ग है, ये अभाज्य संख्याओं का वर्ग हो गया। अभाज्य संख्याओं का क्यूब, अभाज्य संख्याओं का वर्ग ऐसे रटा होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं के वर्ग के बाद आपको यह भी पढ़ना है, वर्ग के बाद वर्ग करके उतना ही जोड़ना, 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 ये देखो वर्ग करके उतना ही जोड़ना, वर्ग करके उतना ही जोड़ना, ये भी आपको रटना है एकदम। अभाज्य संख्याओं का काम बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही दिक्कत करता है। अभाज्य संख्याओं में आप देखेंगे कितना टफ था, मुश्किल है सोचना, कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो अभाज्य संख्या का लॉजिक सोचा करो, अभाज्य संख्या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अभाज्य संख्या घुसा देता है उसमें। और व्यापम का तो एकदम पसंदीदा है अभाज्य संख्या, व्यापम के प्रश्न है जो अभी मैं 2-3 कराने वाला हूं, तो ये व्यापम के प्रश्न है। अमित उसके लिए बात कर लीजिएगा, आप मैनेजमेंट में बात कर लीजिएगा, बता देंगे आपको वो। समझ आ रहा है कितना टफ क्वेश्चन था देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 6 मतलब 2 का वर्ग धन 2, 12 मतलब 3 का वर्ग धन 3, 30 मतलब 5 का वर्ग धन 5, तो अगला हो जाएगा 7 का वर्ग धन 7, 11 का वर्ग धन 11 और 13 का वर्ग धन 13। तो आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा अभाज्य संख्याओं को लेकर के। तो यहां पर देख रहे हैं आप 2 का वर्ग धन 2 6, 3 का वर्ग धन 3 12, 5 का वर्ग धन 5 30, 7 का वर्ग धन 7 56, 11 का वर्ग धन 11 132, 13 का वर्ग धन 13 182। ये भी आपको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा, ऐसे नोट कर करके लिखना पड़ेगा अभाज्य संख्याओं के सीरीज को, बार बार देखेंगे, बार बार यूज करेंगे ना, तो आपको चीजें एग्जाम में ध्यान में आएंगी। तो सादृश्यता पढ़ाऊंगा, वहां पे अभाज्य संख्याओं का बहुत यूज होगा। इसके बाद लुप्त पद पढ़ाऊंगा, वहां पे अभाज्य संख्याओं का बहुत यूज होगा। तो इन चैप्टर्स को जब आगे पढ़ाऊंगा वहां पे अभाज्य संख्या का रोल बहुत बढ़ जाता है। सादृश्यता में तो सबसे महत्वपूर्ण अभाज्य संख्या है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपन अभाज्य संख्या को देते हैं, तो सादृश्यता का जो चैप्टर आता है वहां पे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी अपन अभाज्य संख्या को देंगे, पहला जो प्रायोरिटी होगा अभाज्य संख्या को देंगे। एक और प्रश्न आया था देखो, तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड था,
रितु और पूजा आप लोग का पेमेंट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो डेमो चल रहा है, अप्रूवल दे देंगे ना आप लोग को, एक नंबर दे रहा उसमें बात कर लीजिएगा, बता देंगे आप लोग को, इस नंबर पे फोन कर लीजिएगा, अभी पेमेंट हो गया है तो इस नंबर पे बात कर लीजिएगा, आपको बता देंगे, बाकी चिंता मत करिए, अभी डेमो चल रहा है ना इसीलिए आप लोग का ऐसा कुछ रेगुलर लिंक ओपन नहीं हो रहा है, वो रेगुलर लिंक ओपन हो जाएगा कल से, जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली कल से आप लोग का रेगुलर लिंक ओपन हो जाएगा, शायद डेमो आज ही लास्ट है, तीसरा दिन है तो आज शायद लास्ट है डेमो का, इस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा, फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको बता देंगे, तो 8103548292 मेरा नाम लेके बात कर लीजिएगा, आपको बता देंगे। चलो एक और प्रश्न की बात कर रहा था मैं, देखो तो एक और प्रश्न आया था, ये देखो और कॉम्प्लिकेटेड था वो, एक और प्रश्न आया था, देखो अभाज्य संख्या को ही लेकर के, 3, 10, 24, 50 क्वेश्चन मार्क और 120 ये प्रश्न था, लिखो इसको जल्दी से, 3, 10, 24, 50 फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 120 है, ये प्रश्न आया था। अब ये और कॉम्प्लिकेटेड था, ये और कॉम्प्लिकेटेड कैसे था, तो ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे था, देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है मैं खुद से बता रहा हूं आपको, इसमें क्या लग रहा था पता है, इसमें क्या किया था, 2 का वर्ग -1, यहां पर 3 का वर्ग +1, यहां पर 5 का वर्ग -1, यहां पे 7 का वर्ग +1, देख पा रहे हो क्या किया है, मतलब अभाज्य संख्या का वर्ग करके -1 + 1 - 1 + 1, तो यहां पे 11 का वर्ग -1, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, देख पा रहे हो, देखो तो 2, 3, 5, 7, 11 क्या पूछा था देख लो एक बार, अच्छा 120 के बाद क्वेश्चन मार्क पूछा था, 120 के बाद पूछा था क्वेश्चन मार्क, वो देखो एक बार 120 के बाद वो पूछ रहा था क्या होगा अगला पद, तो क्या हो जाएगा यहां पर 11 का वर्ग -1, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, यहां पर लिखेंगे 13 का वर्ग +1, 169 और एक कितना हो जाएगा 170, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न में आप याद ही करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, देख पा रहे कितना कॉम्प्लिकेटेड है, 3 को क्या लिखा वो 2 का वर्ग -1, 10 को क्या लिखा वो 3 का वर्ग -1, 24 को क्या लिखा वो 5 का वर्ग -1, 50 को क्या लिखा वो 7 का वर्ग +1, 120 को क्या लिखा वो 11 का वर्ग -1, तो अगला क्या हो जाएगा 13 का वर्ग +1, मतलब अभाज्य संख्या का वर्ग -1, अभाज्य संख्या का वर्ग +1, अभाज्य संख्या का वर्ग -1, अभाज्य संख्या का वर्ग +1, अभाज्य संख्या का वर्ग -1, अभाज्य संख्या का वर्ग +1, तो आपको अभाज्य संख्या तो याद रखनी ही है, उसके आसपास के डेटा को भी याद रखना है, उसके वर्ग के आसपास के डेटा को भी याद रखना है, इतनी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी अभाज्य संख्या को लेकर के। ये 2 प्रश्न आए थे व्यापम में, एक ही एग्जाम में ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे, यहां पर क्या कर रहा था ये, तो फिर भी चलो ठीक था, 6 मतलब 2 का वर्ग -2, 12 मतलब 3 का वर्ग -3, 30 मतलब 5 का वर्ग -5, तो अगला क्या हो जाएगा 7 का वर्ग -7, अगला 11 का वर्ग -11, 13 का वर्ग -13, अभाज्य संख्या का वर्ग करके उतना ही जोड़ रहा है, यहां पर क्या कर रहा था अभाज्य संख्या का वर्ग -1, अभाज्य संख्या का वर्ग +1, अभाज्य संख्या का वर्ग -1, अभाज्य संख्या का वर्ग +1, अभाज्य संख्या का वर्ग -1, तो अभाज्य संख्या का वर्ग +1, तो आंसर क्या बनता 170 बनता। तो आप क्या करिए, आप अभाज्य संख्या को तो याद करिए, अभाज्य संख्या बोलने का मतलब ये, अभाज्य संख्या बोलने का मतलब ये, इसको तो याद करना ही है, इनके वर्ग को याद रखिए, इनके वर्ग, इनका वर्ग मतलब 4, ये हो गया 9, ये हो गया 25, ये हो गया 49, ये हो गया 121, ये हो गया 169, ये हो गया 289, ये याद करो, इसके आसपास का डेटा भी थोड़ा ध्यान रखो कि सर इसके आसपास का डेटा, 4 के आसपास का डेटा, तो 4 के आगे क्या है 5, पीछे क्या है 3, 9 के आगे क्या है 10, पीछे क्या है 8, 25 के आगे क्या है 26, पीछे क्या है 24, 49 के आगे क्या है 50, पीछे क्या है 48, 121 के आगे 122, पीछे 120, 169 के आगे 170, पीछे 168, 289 के आगे 290, पीछे 288, इसको भी याद रखो, एकदम रटना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये प्रश्न आए ना तो सीधे सीधे ये वही बच्चा कर पाएगा जो ऐसे रट के बैठा है,
तो अभाज्य संख्याएं याद हैं, उनके वर्गों को तो याद रखना ही है आपको। यह अभाज्य संख्याओं के वर्गों की बात कर रहा हूं। अब अभाज्य संख्या के वर्ग के आगे पीछे का डेटा। इसके अलावा आपको याद रखना है उतना ही जोड़ना है। तो 4 में 2 जोड़ूंगा 6, 9 में 3 जोड़ूंगा 12, 25 में 5 जोड़ूंगा 30, 49 में 7 जोड़ूंगा 56, 121 में 11 जोड़ूंगा 132, 169 में 3 जोड़ूंगा 182। समझ आ रहा है? ये डेटा को भी आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ग करके उतना ही जोड़ रहा हूं, वर्ग करके उतना ही जोड़ा हूं, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ग करके उतना ही जोड़ रहा हूं, तो वर्ग करके उतना ही जोड़ा हूं, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है। अभाज्य संख्या कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? अभाज्य संख्याओं का वर्ग। इसके बाद मैंने क्या लिखा? उसके आगे और पीछे का डेटा, आगे और पीछे का, आगे और पीछे का। और ये क्या किया मैंने? अभाज्य संख्या का वर्ग करके उतना ही जोड़ा है, अभाज्य संख्या का वर्ग करके उतना ही जोड़ा है। ऐसे याद रहेंगे ना डेटा, तब ऐसे प्रश्न बनेंगे। ये देखो, ये 3 अभाज्य संख्या के वर्ग से पीछे का डेटा, 10 अभाज्य संख्या के वर्ग के आगे का डेटा, 24 अभाज्य संख्या के वर्ग के पीछे का डेटा, 50 अभाज्य संख्या के वर्ग के आगे का डेटा, 120 अभाज्य संख्या के वर्ग के पहले का डेटा। याद रहेगा ऐसा? 6 अभाज्य संख्या का वर्ग करके उतना ही जोड़ेंगे, अभाज्य संख्या का वर्ग करके उतना ही जोड़ेंगे। ऐसे डेटा तभी याद रहेंगे। समझ आया यहां तक? जल्दी से बताओ, बन जाएगा? ये 2 प्रश्न समझ आए आप लोग को? जल्दी से बताइए। अभाज्य संख्या को लेकर के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब जो मैं लिख रहा था, अभाज्य संख्या को लेकर के थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर उनके वर्गों को लेकर के, अभाज्य संख्या के वर्ग को लेकर के खासकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभाज्य संख्या के वर्ग को लेकर के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वर्ग के आगे पीछे का डेटा, वर्ग करके उतना ही जोड़ दो, ये डेटा। तो कहने का मतलब आपको याद करना पड़ेगा अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड सीरीज को। चलो इतना ही रखते हैं, इसके आगे कल देखेंगे। प्रैक्टिस शीट आप लोग को कल मिल जाएगा, आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। एडमिशन जिनका नहीं हुआ है एडमिशन ले लीजिए। इतने सारे प्रश्न आपने खुद से बनाए हैं, देख लो। ये देखो, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपकी, बन जाएगा। ये देखिए, इतने सारे प्रश्नों पे आपने खुद से मेहनत की है। ये देखिए, कॉन्फिडेंस अब आ रहा होगा। अभाज्य संख्याओं में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन उसके लिए मैंने बताया कि याद कर लो इस चीजों को। प्रैक्टिस सेट दूंगा, देखना कितना फटाफट बनेगा, वो फटाफट बनेगा। और यही सारी चीजें, ये सारे डेटा अगर याद हो गए ना, ये सारे डेटा अगर याद हैं, तो फिर देखना सादृश्यता, वर्गीकरण, लुप्त पद कैसे उड़ाएंगे प्रश्नों को आप। तो यहां तक पढ़ लीजिए। हाँ, ये बैच केवल ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड है। क्षेत्रपाल, मैथ्स का क्या डेमो देखोगे भाई? यूट्यूब में देख लो, मेरे वीडियोस बहुत सारे पड़े होंगे। अब मैथ्स का क्या डेमो देख के फीस दोगे आप? एडमिशन ले लो यार, क्या मैथ्स का डेमो देखोगे? यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस हैं, उसको देख लीजिए। वैसा ही पढ़ाऊंगा जैसा यूट्यूब में वीडियोस आप मेरे देखते आए होंगे या कभी देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। मैथ्स का ऐसा डेमो लेके ऐसा क्लास को बीच में खराब नहीं करूंगा। मंडे को प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा आपको। टाइम वही रहेगा 4 से 5:30, टाइम वही रहेगा 4 से 5:30, शाम 4 से 5:30। ये बैच ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड है, ऑफलाइन नहीं है। रेगुलर रहेगा, ये रुकेगा नहीं कभी, डेली चलेगा। और देख पा रहे हैं शानदार तरीके से क्लास चल रही है, कोई समस्या नहीं आ रही है। ऐप में क्लास बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, एकदम क्वालिटी मेंटेन है। रिकॉर्डेड आपको मिलेगा ही, पीडीएफ मिलेगा ही आपको डेली का, प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बन के आप लोग का। तो बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो गया है, जैसा कि कमेंट भी बच्चे कर रहे हैं। जिनका नहीं हुआ है एडमिशन ले लीजिए। हो सकता है कल से रेगुलर लिंक ओपन हो, डेमो का लिंक ओपन ना हो, तो क्लासेस छूट जाएंगी आपकी। यूट्यूब में भी लेक्चर सब नहीं आएंगे, कल से लेक्चर्स यूट्यूब में भी नहीं आएंगे, डेमो लेक्चर्स। तो एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर लीजिए, कॉन्टेक्ट कर लीजिए। फीस रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसके लिए बात कर लीजिए आप लोग। पूर्णिमा, 6 से 8 महीने तक पूरा वैलिडिटी रहेगा, 6 से 8 महीने तक मान के चलिए पूरा वैलिडिटी रहेगा आपके पास, वीडियोस रहेंगे पूरे।
तब तक लगभग सारे एग्जाम्स इधर हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपन कल, यहां तक पूरा पढ़ के आइए, प्रैक्टिस सेट आपको कल मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, जो नंबर दिया गया था उस पर कॉल कर लीजिए। ये देखिए नंबर, ये मैं आप लोग को बता देता हूं, इस पर कॉल कर लीजिएगा। किसी को अगर लग रहा होगा नंबर रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो ये देखिए इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। ये नंबर मैं यहाँ पे, ये देखिए ये नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को, इन नंबर पे संपर्क कर लीजिए, नंबर दिख रहे होंगे बिल्कुल, इन नंबर्स पे संपर्क कर लीजिए। जिनका एडमिशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर लीजिए भाई, पूरा सिलेबस बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अपन कल 4 बजे, इसके आगे पढ़ेंगे।